पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए सिख और पंजाबी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिकायत करते हुए कहा कि भू माफियाओं के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उनकी उस जमीन को कब्जा करने से रोका जाए। गुस्साए लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र में भू माफियाओं के नाम भी खोले हैं और मांग की है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। सभी ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। हरविंदर पाल सिंह, अरविंद नगर में हमारी जमीन है। ये जो दो भू माफिया हैं, अरविंद अजय अग्रवाल, अरविंद मोहन जसपाल, और हमें ये धमकी देते हैं मारने की। हमारे ऊपर कहते हैं कि एससी एक्ट लगाएंगे तुम्हारे पास, आप जमीन छोड़ दो। और हमारे पास जो है एससी वालों को, जाडो वालों को हमारे पास भेज देते हैं और हमें मारने की धमकी देते हैं। आपके ऊपर हम एससी एक्ट लगाएंगे। सर इंसाफ चाहते हैं हम तो। डीएम साहब, सर हमें हमारी जमीन है सर, हमें वापसी मिली जाए। डीएम साहब के नाम से डीएम साहब, नाम सुरेंद्र पाल सिंह है। मामला ये है, हमने एक यहाँ कॉलोनी अरविंद नगर बनाई थी अरविंद जादूगर नाम के एक प्रॉपर्टी वाले ने, और वो लाकड़ी फाजरपुर में स्थित है। उसमें हम सब लोगों के प्लॉट हैं, इसमें ज़्यादातर हमारे सिख समाज के लोग हैं और दूसरे भाई भी सभी के हैं। उस पर एक भू माफिया हैं अरविंद मोहन, वकालत भी करते हैं वो। उन्होंने वहाँ पर सबको ये कह के डरा रखा कि भाग जाओ यहाँ से, अपने छोड़ के भाग जाओ, नहीं मरवा दूंगा और एससी एसटी का मुकदमा लगा दूँ। मेरी यहाँ बहुत ज़मीन है, मेरी ज़मीन जाटव लोग जोतते हैं, वो मेरे कहने में है। तुम्हारे सबके ऊपर मैं उनसे औरतों से देते हैं। और जब कल वहाँ पर अपना काम करने कुछ लोग जाते हैं, हम अपना नींव भरने के या अपना देखभाल करने, तो उन औरतों को उठा के भेज देते हैं कि जाओ उन पर एससी एसटी का केस लगाओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और उनके आदमी शराब पी के आते हैं वहाँ और सीबीआई जांच गाली गलौज करते हैं। और उन्होंने वहाँ लाकड़ी फाजरपुर में अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। ऐसे लोग डरा डरा जैन भी है। अब आप लोग कहाँ हैं? अब हम लोग खड़े हुए हैं डीएम साहब के कार्यालय पे, अपनी बात कहने के लिए आए थे। हमने वहाँ लिख के सबको लोगों ने दिया है और चाहते हैं कि इन लोगों की जांच हो, इनकी संपत्तियों की जांच हो। पूरी लाकड़ी फाजलपुर में हजारों बीघे जमीन ऐसे लोगों की हड़प रखी है, अरबों रुपए की ऐसी हड़प रखी है।